सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय YouTube चैनल संतु धुरे ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध दिखाने ले जा रहा हूं। इसे रविशंकर सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी रायपुर से यह 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा दुर्ग भिलाई से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आप लोग को उधर मेन गेट तरफ से जाने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वाला नज़ारा देखना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा 14 के 14 गेट दिख रहे हैं और एक गेट खुला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग को ये वाला नज़ारा देखना है तो आपको रास्ते में ही एक व्यू पॉइंट 2 करके लिखा होगा। जैसे आप गंगरेल बांध पहुंचने वाले रहेंगे, उससे करीबन आधा किलोमीटर पहले व्यू पॉइंट 2 लिखा होगा। वहां से आप लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे तो आपको इस स्थान पे वो रास्ता पहुंचाएगा और आपको यहां से गंगरेल बांध का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको गंगरेल बांध का पूरा गेट देखना है तो आप उसी व्यू पॉइंट 2 से अंदर आ जाएंगे तो आपको ये औसम नज़ारा देखने को मिलेगा। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा यहाँ से पानी बहते हुए इस तरफ जा रहा है। गंगरेल बांध का निर्माण सन 1978 में हुआ था। इसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों किया गया था। गंगरेल बांध महानदी के पार पर बनाया गया छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी सुंदरता के कारण दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। यह बांध वर्ष भर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्रों में धान की पैदावार बहुतायत में होती है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ के मैदानी क्छेत्र के किसान प्रतिवर्ष 2 से 3 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। करीब 1830 मीटर लंबा और 100 फीट ऊंची इस बांध के पानी से लगभग 57,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा ये भिलाई स्टील प्लांट और नई राजधानी रायपुर को भी पानी प्रदान करता है। बांध में 10 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी काम कर रहा है। इस बांध का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं अभी विभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल के नाम पर रविशंकर जलाशय रखा गया है। चलिए गाइस, गेट के साइड से रास्ता बना हुआ है मिनी गोवा जाने का, तो हम लोग चलते हैं मिनी गोवा और वहाँ देखते हैं क्या वाटर स्पोर्ट्स होता है वहाँ, और बोटिंग भी कराई जाती है। और जिस प्रकार गोवा में जो फैसिलिटी है वैसे यहाँ भी फैसिलिटी देने का प्रयास किया गया है, तो उसको भी हम लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप यहाँ से आप देख सकते हैं बांध का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और चलिए मैं आपको नज़दीक से ले जाके दिखाता हूँ इधर से।
गाइस ये है वो गेट का एरिया। तो गाइस यहाँ से मिनी गोवा का एरिया शुरू होता है और आपको यहाँ से पूरा गंगरेल डैम का नज़ारा दिख रहा होगा। ये है गाइस गंगरेल बांध का गेट और गेट का मुंह उस तरफ है, ये इसका पीछे का एरिया है और ये पूरा उसका विस्तृत रूप है। और यहाँ पर बहुत सारा बोर्डिंग चल रहा है और आगे उसका टिकट काउंटर है और ये है उसका जाने का रास्ता। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर रुकने के लिए रिसॉर्ट की तरह कॉटेज बनाया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर कॉटेज बनाए गए हैं मिनी गोवा में, आप यहाँ रात स्टे कर सकते हैं रेंट पे लेके और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और गेट में तो लॉक लगा है, हम लोग अंदर जाके नहीं देख सकते, मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ रिसॉर्ट का नज़ारा। गाइस ये है पूरा मिनी गोवा का एरिया और यहाँ पर पूरा रेत ही रेत, बीच की फीलिंग लाने के लिए यहाँ पर रेत ही रेत इकट्ठा किया गया है। इधर से है ये कॉटेज। गाइस और हम लोग आगे चलते हैं बोर्डिंग की तरफ, देखते हैं बोर्डिंग का टिकट काउंटर में क्या क्या रेट है बोर्डिंग का और आपको बोर्डिंग राइड भी करते हैं और नज़दीक से भी दिखाते हैं आपको मिनी गोवा। और आप इधर देख सकते हो मेरे पीछे पूरा यहाँ पर बीच की तरह रेत बिछाया गया है और इस तरफ है टिकट काउंटर और यहाँ पर दुकान भी स्टॉल भी लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ नाश्ता करना है, चिप्स स्नैक्स खाने हैं तो यहाँ पर आप स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक पानी ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर है ये टिकट काउंटर, ये है टिकट काउंटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर में और बोर्डिंग के लिए टिकट भी ले लेते हैं, फिर आपको आगे बोर्डिंग में ले जाते हैं। बोर्डिंग का पूरा रेट लिस्ट चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सबसे मिनिमम में है 50 किड्स का है और 100 ग्रुप में जाने का है। गाइज यहाँ पर ये सैनिटाइज रूम बनाया गया है, तो बोर्डिंग करने से पहले आप लोग को यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा। अभी हमारे मित्र गए हुए हैं। सब सैनिटाइज होके आ रहे हैं लोग, अब मेरा भी नंबर है।
रिलीज हो चुके हैं हम लोग। अब हम लोग को बोर्डिंग के लिए ले जाया जा रहा है, तो हम लोग चलते हैं बोर्डिंग के लिए। ये है गाइस बोर्ड में जाने का रास्ता, और यहाँ पर अभी टिकट चेक हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए, और आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, इधर हम लोग का बोर्ड है। और अभी हम लोग जेटी में चल रहे हैं, इसको स्पेशली पानी में चलने के लिए ही बनाया गया है। ये प्लास्टिक का बना रहता है, दो तीन टुकड़े में जॉइंट होता है। और हमें बोर्डिंग में जाने से पहले अभी लाइफ जैकेट देंगे, क्योंकि बिना लाइफ जैकेट के हम लोग बोर्डिंग नहीं कर सकते। पर हम लोग को मिल रहा है लाइफ जैकेट, तो चलिए हम लोग पहले लाइफ जैकेट पहनते हैं। और यहाँ भी सैनिटाइज कराया जा रहा है जैकेटों को, फिर पीछे देख सकते हैं यहाँ दे रहे हैं हम लोग को लाइफ जैकेट, और सैनिटाइज भी किया जा रहा है यहाँ पर जैकेट को भी। ये है बोर्ड जिसमें हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने। फाइनली गाइस बोटिंग हो चुकी है पूरी, और ये भाई लोग के साथ बोटिंग राइड किए हैं, मज़ा आया। और मैं चाहता हूं कि आप भी यहां आए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ मिनी गोवा में, और बोटिंग का मज़ा लें। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक भी दबा दीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।